आपने अक्सर देखा होगा कि जब कोई बीमारी से ग्रसित होता है तो वो बिस्तर पकड़ लेता है और उसका जीवन दवाइयों के भरोसे ही अटक कर रह जाता है। लेकिन छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव के रहने वाले संतोष साहू ने अपनी इसी बीमारी को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। दरअसल 54 साल के संतोष लगभग 16 साल पहले शुगर और बीपी की बीमारी से ग्रसित हो गए थे। उस दौरान एक दोस्त की सलाह पर उन्होंने रोजाना वॉकिंग को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लिया, जिसके बाद वॉकिंग करना उनका जुनून बन गया और पहली बार साल 2010 में उन्होंने हिमाचल प्रदेश मैराथन में अपना पंजीयन कराते हुए स्पर्धा का हिस्सा बने। इसके बाद से वो हर साल अलग अलग राज्यों में होने वाले लगभग कई मैराथन में शामिल होते हैं। हाल ही में वो लद्दाख जैसी दुर्गम जगह पर आयोजित मैराथन का भी हिस्सा बने। उनके लिए ये एक बेहद ही खास अनुभव था। आप अभी जस्ट लद्दाख मैराथन से रनर होके आए हैं जी, और किस प्रकार का आपका अनुभव रहा? अनुभव ये रहा कि लद्दाख लगभग विश्व का सबसे हाइटेड मैराथन है। लगभग 17,500 फीट ऊंचा पहाड़ के ऊपर मैराथन होता है और मेरा वहाँ का लगभग जीवन का सबसे कठिन मैराथन रहा है। अब तक कितने मैराथन में आपने भाग लिया है? लगभग 20 से 25 मैराथन, हाफ मैराथन में। आपको दौड़ की प्रेरणा कहाँ से मिली? दौड़ की प्रेरणा बीमारी के चलते मिली। आज क्या स्थिति आपकी बीमारियों की? और बीमारी लगभग खत्म हो चुका है। आप लोगों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल संदेश देना चाहता हूँ कि आप सुबह कम से कम एक घंटा अपने लिए और अपने सेहत के लिए निकालिए और डॉक्टरों से दूर रहिए। आप नहीं चलेंगे तो आपके पीछे दवाइयां चलेगी। रनिंग को लेकर संतोष साहू की दीवानगी का आलम ये है कि वो हर दिन 10 से 12 किलोमीटर तक दौड़ते हैं। जिस दिन बारिश होती है उस दिन छाता लगाकर ही क्यों ना दौड़ना पड़े, उनका ये जुनून उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलवा रहा है। और अब संतोष आने वाले साल विदेश में भी मैराथन में भागते नजर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।